हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ पूजा सिंह और आपका वेलकम बैक है मेरे चैनल इंडियन पहाड़ी ब्यूटी में। आज मैं आपके साथ में घर के कपड़ों में बस ऐसे ही आ गई हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि हमें घर में स्क्रब कैसे करना चाहिए। स्क्रबिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो आपके फेस की स्किन के लिए करना हो या आपकी पूरी बॉडी के लिए करना हो। हमें हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए वीक में एक बार स्क्रब करना बहुत जरूरी है। ठंडियों में तो आपको स्क्रब करना ही चाहिए, क्योंकि ठंडियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और उससे क्या होता है कि हमारे स्किन में डेड स्किन की लेयर एक पर एक चढ़ती जाती है, बस जमा होती जाती है हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे। तो स्क्रब करने से वो सारी डेड स्किन हमारी रिमूव हो जाती है। स्क्रब हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है, साथ ही हमारे स्किन को डीपली क्लीन भी करता है। स्क्रब आपको वीक में एक बार करना जरूरी होता है, इसे आप कम भी मत करिए और इसे ज्यादा भी मत करिए। जब भी आप स्क्रब करें तो इस बात का ध्यान रखें, आपको इसे मैक्स टू मिनट के लिए ही करना है, 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं करना है। हम हमारी स्किन को क्लीन कर रहे हैं, ना कि बर्तनों को। स्क्रब करने के लिए हम जब भी स्क्रब करते हैं तो बहुत ही स्मूथली एकदम हल्के हाथों से हमें मसाज करना चाहिए। ज्यादा आप ऐसे जोर जोर से घसोगे ना तो ओपन जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। वैसे तो स्क्रब करते वक्त पोर्स ओपन ही होते हैं, उससे ही हमारी स्किन अंदर से डीप क्लीन होती है, पर अगर आप जोर जोर से करते हो तो फिर वो पोर्स जो है वो ओपन ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। विंटर में हमें हमेशा स्क्रबिंग के लिए क्रीम बेस्ड स्क्रब को यूज करना चाहिए। आज मैं फेस स्क्रब करने के लिए यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का पपैया फेस स्क्रब, जो कि क्रीम बेस्ड है। ये ऐसा स्क्रब है जो आप विंटर में भी यूज कर सकते हो और समर में भी यूज कर सकते हो। इसमें लिखा गया है कि ये पपैया के सारे बेनिफिट्स आपको देगा, ये आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा। ये स्क्रब आपके फेस को नेचुरल ग्लो देगा, डीप क्लीन करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा। स्क्रबिंग करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको ऐसे ड्राई स्किन पे कभी भी आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है। आप अच्छे से फेस को वॉश कर ले, अच्छे से क्लीन कर ले और फेस पे थोड़ा सा पानी रहने दे, उसके बाद ही हम स्क्रब करेंगे। ऐसे ड्राई स्किन पे अगर आप स्क्रब करोगे तो आपको रैशेज आने के चांसेस है। तो चलिए मैं फेस को वॉश करके आती हूँ, फेस को वेट कर लेती हूँ, फिर हम स्क्रब कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी हम ऐसे ही गिले फेस पर हम स्क्रब करेंगे। अभी हम स्क्रब को पहले ऐसे पूरे फेस पे लगा लेंगे और याद रहे हम सिर्फ फेस को क्लीन नहीं करना है, हमें हमारे नेक पे भी ध्यान देना है। आप जब भी स्किन केयर फॉलो करें या स्क्रबिंग करें वीकली, तभी आपको याद रखना है कि हमें हमारे फेस के साथ हमारे नेक को भी क्लीन करना है, उसका भी केयर लेना है। सिर्फ मेकअप से आप अपने नेक और फेस के डिफरेंस को कवर नहीं कर सकते हो, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अभी हमने स्क्रब को अच्छे से पूरे फेस पर स्प्रेड कर दिया है, अभी हम इसे इस तरह से राउंड राउंड अपर साइड में आपको हमेशा लेना, जब भी आप स्किन केयर फॉलो करते हैं या कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं फेस पे, कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है हमें हमेशा अपर साइड करना है, नीचे साइड नहीं करना है। नीचे करने से क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो नीचे की तरफ ऐसे लटक जाएगी। तो इसे हम ऐसे राउंड राउंड हल्के हाथों से, सिर्फ ये जो टिप्स है ना हमारे फिंगर्स के, उनसे हमें करना है एकदम हल्के हाथों से राउंड राउंड अपर साइड में। और मैक्स टू मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। और इस तरह नोज पे हल्के हाथों से ऊपर नीचे ऐसे अप एंड डाउन करें, लिप्स को ऐसे अंदर लेके उसके चारों साइड से हमें करना है। स्पेशली आपको लिप्स के इन दोनों साइड्स पे करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के स्किन जो है ना ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, तो उसे क्लीन करने में भी स्क्रब हेल्प करता है। और यहाँ पे भी हमें इसे राउंड राउंड सर्कल करना है। और
नेक पे जब भी करें इस तरह से अपवर्ड करें, आंखों से हमें बचा के करना है ध्यान से। अभी फॉरहेड पे और इस साइड में भी बहुत लोगों का मैंने देखा है, यहाँ पे भी स्किन बहुत डार्क हो जाती है, तो आपको यहाँ पे भी राउंड राउंड सर्कल करके क्लीन करना है। स्क्रबिंग बहुत ही स्क्रबिंग आपको वीक में एक बार करना जरूरी है, इससे ज्यादा भी नहीं करें क्योंकि ज्यादा करने से भी आपकी जो पोर्स है ना वो लार्ज होते चले जाएंगे। और एक वीक में एक बार करना भी जरूरी है, इसे कम भी नहीं करें, नहीं तो आपकी जो डेड स्किन है वो स्किन में रहेगी और आपका आप कितना भी अच्छा मेकअप कर ले पर वो कभी भी ग्लो नहीं देगा फेस पे, क्योंकि मेकअप एक बाहर से हम कर रहे हैं, हमारी स्किन ही अगर गंदी होगी तो आप कितने भी अच्छे महंगे से महंगे प्रोडक्ट यूज करें पर आपको वो ग्लो या वो एक ऐसे बोलते हैं ना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। स्क्रबिंग करने से हमारी डेड स्किन और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन क्लीन हो जाती है। अगर हमारी स्किन क्लीन होगी तो हमारी पिंपल्स की भी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब मैं पहले वेट वाइप्स से फेस को क्लीन कर लूंगी। अब मैं फेस को वॉश कर और मैंने फेस को वॉश कर लिया है और अभी आप देख सकते हो फेस पे ग्लो लग रहा है मेरे। ये ग्लो इसलिए क्योंकि हमारी जो डेड स्किन थी ब्लैक हेड से व्हाइट हेड से वो सारी रिमूव हो चुकी है, आप देख सकते हैं। स्क्रबिंग करने के बाद में फेस पे ग्लो ऐड हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं सिर्फ एक स्क्रबिंग करने से कितना चेंज लग रहा है स्किन में। और जब भी हम स्क्रब करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्क्रबिंग करने से हमारे पोर जो है वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रबिंग पोर्स को ओपन करके ही उन्हें क्लीन करती है, तो इसलिए हमें हमेशा स्क्रबिंग के बाद में फेस मास्क भी अप्लाई करना जरूरी है। और फेस मास्क के नीचे भी अगर आप पूरे बॉडी का भी आप हाथ पैरों की भी स्क्रबिंग करते हैं तो तभी आपको आपके हाथ पैरों पर भी मास्क अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब मैं फेस स्क्रब के बाद में पपैया रेंज का पपैया फेस मास्क अप्लाई करने जा रही हूँ, ये हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो देगा और साथ ही हमें इवन टोन स्किन भी देगा। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ फेस मास्क, आपको इस तरह से लेना है, अगर आप चाहे तो आप अपने फिंगर की हेल्प से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और मेरे फेस के साथ साथ में मेरे नेक पे भी अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे ड्राई होने दूंगी 10 से 15 मिनट तक और उसके बाद में फेस को वॉश कर लूँ। और जब भी हम फेस मास्क अप्लाई करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब फेस मास्क ड्राई होने लगता है और अगर हम बात करेंगे तो फेस मास्क ड्राई होने की वजह से स्किन में एकदम टाइटनेस आ जाती है और फिर हम बात करेंगे तो झुर्रियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने भी फेस मास्क अप्लाई कर लिया है तो अब मैं मिलती हूँ आपको फेस वॉश करने के बाद। और यहाँ पे मैंने फेस को वॉश कर लिया है और अच्छे से ड्राई भी कर लिया है। अब हमारा थर्ड स्टेप आएगा मॉइस्चराइजिंग, इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ नेविया की क्रीम। और फेस के साथ साथ मैं नेक को भी मॉइस्चराइज करूंगी। हम जो भी स्टेप हमारे फेस के लिए करेंगे वही स्टेप हमें सेम हमारे नेक पे भी अप्लाई करना है। हमने सबसे पहले स्क्रबिंग की, स्क्रब करने से हमारी डेड स्किन और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव हो चुके हैं। सेकेंड स्टेप हमने अप्लाई किया फेस मास्क, जब भी आप स्क्रबिंग करते हैं तो उसके बाद में फेस मास्क अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि स्क्रबिंग से हमारे पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो फेस मास्क अप्लाई करने से वो पोर्स जो ओपन हुए हैं वो श्रिंक होके क्लोज होने लगते हैं। थर्ड स्टेप हमने अप्लाई किया है मॉइस्चराइजर, आप आपके स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। तो इसी तरह आप भी आपके फेस को वीक में एक बार स्क्रब जरूर कीजिए। मैं आपके साथ में होममेड स्क्रब भी जरूर शेयर करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।